ट्रैफिक चालान के नियम 1 सितंबर से बदल गए। अब ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करना जेब पर भारी पड़ रहा है, लेकिन तमाम जुर्माने के बावजूद भी कुछ लोग अभी भी न सुधरने की कसम खाकर बैठे हैं। ट्रैफिक पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेला जा रहा है। लखनऊ में जो लोग ट्रैफिक नियमों को तोड़ रहे हैं उनमें कुछ लोग तो हालांकि गिल्टी फील करते नजर आ रहे हैं, तो कुछ अजीबोगरीब तर्कों से अपना बचाव करते दिखाई दिए, जबकि कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस से भागने की कोशिश करते दिखे। लखनऊ से न्यूज़ स्टेट संवाददाता अनिल यादव की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक के नए नियम लागू हो गए हैं, जुर्माने की रकम भी बढ़ा दी गई, लेकिन उसके बावजूद देखने में ये आ रहा है कि लखनऊ में अभी भी बहुत से लोग हैं जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। आपका हेलमेट कहाँ भाई साहब? सर मेरा हेलमेट घर पे है और मुझे आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पे सिर्फ मुझे बगल में जाना था, तो क्या मैं इतनी दूर के लिए जा नहीं सकता हूँ? ये मालूम है इतना जो है नहीं होता है जाम पे नहीं होता है। आप मालूम है कि नहीं कि जुर्माने की राशि उसी बढ़ा दी गई है? सब पता मुझको मालूम है कि राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन आप ये सोचिए कि आधे किलोमीटर के लिए अगर मुझे जाना है तो मैं हेलमेट रखूंगा कहाँ? अगर वहाँ रखने की जगह नहीं है, चोरी हो जाएगा तो मेरा 1750 रुपए का नुकसान हो जाएगा। जुर्माना तो देना पड़ेगा, वो भी तो नुकसान होगा। वो मैं जानता हूँ, ठीक है सर, क्योंकि जुर्माना हो रहा है तो भाई देना तो है ही सबको। लोग बड़े अजीब गरीब बहाने दे रहे हैं कि हेलमेट चोरी हो जाएगा इसलिए नहीं पहन रहे हैं। TSI साहब हैं, क्या लग रहा है सर, ये जो नया नियम जब से लागू हुआ है इतना प्रचार प्रसार हुआ है, लोग सुधरे हैं कि अभी भी पुराने ढर्रे पे चल रहे हैं? 95% लोगों के अंदर सुधार आ चुका है। चंद लोग ऐसे हैं, नए बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी जानबूझ करके बहानेबाजी करके कुछ ना कुछ बहाना बताते हैं, जो कि हेलमेट नहीं लगाते हैं। जीवन की सुरक्षा है तो इनकी जीवन की सुरक्षा है तो यह अति आवश्यक है, जिसके पालन करवाने के लिए लगातार प्रयासरत जारी है। ये नमूना भी हम दिखा देते हैं, शीशा उतारिए भाई साहब, ये देखिए ट्रैफिक पुलिस भी अब नियम का पालन कर रही है। आप सब लोग सीट बेल्ट लगाए हुए हैं, तो ये पहले भी लगाते थे कि 1 सितंबर के बाद जब से ये नया नियम आया उसके बाद लगाना शुरू किया? नहीं सर, पहले भी परमानेंट भी लगाते थे, अभी भी लगा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि आप लोग सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट धारण करिए। देखिए आगे के सीट के तो लोग लगाए हुए हैं, जो पीछे से बैठे हुए हैं एक पुलिसकर्मी, उन्होंने भी सीट बेल्ट लगा रखी, तो आपने भी सीट बेल्ट लगा रखी है? अरे क्यों नहीं लगाएंगे, जब सबको हम दूसरे को अवॉइड करेंगे कि लगाइए सीट बेल्ट, तो अपने को तो फॉलो करना पड़ेगा ना नियम। दूसरों को बताने से पहले नियम खुद फॉलो करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ पर फिलहाल ये लखनऊ का सबसे व्यस्तम चौराहा है, पॉलिटेक्निक चौराहा बोलते हैं, पूर्वांचल का गेट है, पूर्वांचल को जाने वाली सारी गाड़ियाँ इधर से निकलती हैं। हालांकि लखनऊ के लगभग 90% लोग अब हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग हैं जो जोखिम ले रहे हैं और हेलमेट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तमाम जो इतना जुर्माने की राशि बढ़ गई उसके बावजूद थोड़े से बेफिक्र नज़र आ रहे हैं, तो लखनऊ पुलिस ड्राइव चलाकर उनके खिलाफ जुर्माना लगाकर उन्हें ट्रैफिक नियम का पालन करने को बाध्य कर रही है। वीडियो सफलसन के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट लखनऊ। बिल्कुल घर यहीं पास में है, पास ही निकल रहे थे, तो शॉर्ट डिस्टेंस होने की वजह से नहीं लगाया था हेलमेट। मैंने नहीं थे हम। क्यों नहीं लगाया हेलमेट आपने? बगल में रहते हैं सर, सेक्टर 10 में, वहीं से आ रहे थे, छोड़ने जा रहे थे सिस्टर को अपनी, तो छोड़ने आए थे। हेलमेट तो आपने रखा हुआ है? हाँ रखा हुआ है भाई, तो छोड़ने आया था लेके। भैया फॉलो करना ही पड़ेगा, इतना पैसा कौन दे पाएगा, फॉलो तो करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कुछ आ रहा भी नहीं हम लोग के पास। छोड़ने आए थे इसके मतलब थोड़ी ना क्या, घर से यहाँ तक आने में हमको हेलमेट लगाना पड़ेगा। चल मैम, हम लोग दूसरी जगह खड़े हुए थे, वहाँ से कल कि मतलब वहाँ पे कोई एडमिट है तो तुरंत जाना पड़ा, तो मैं घर में नहीं जा पाया हेलमेट लेने के लिए, ये प्रॉब्लम। बाकी मानते हैं कि जुर्माना जो बढ़ाया गया सही है? वो तो जब स्टाइल नहीं होंगे तो सही कैसे होंगे लोग।